वाचा का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। वो अपनी वाचा के अनुसार काम करता है। अगर उसकी वाचा, उसको हमेशा अपनी वाचा याद रहती है, और वो चाहता है कि उसकी वाचा आप भी याद रखें, जिस वाचा के अनुसार हमें चलना है। एक वाचा, कमिटमेंट, वादा हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम कभी कभी भूल जाते हैं। हम दोस्तों से किया हुआ वादा याद रखते हैं, रिश्तेदारों से वादा किया हुआ याद रखते हैं, लेकिन परमेश्वर से किया हुआ वादा भूल जाते हैं, और हम उसकी अहमियत नहीं समझते कि कोई बात नहीं, परमेश्वर है। नहीं, हमें परमेश्वर से किए हुए वादे को हमेशा याद रखना है। कोई भी ऐसा शब्द हमारे मुंह से ना निकले जो हमने ऐसे ही कह दिया हो। नहीं, हम कोई भी मन्नत ऐसी ना माने। नंबर्स गिनती 30:2, उसके बाद हम अपने मेन वचन पे जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभी हम खुश करने के लिए, किसी को, किसी के सामने अपनी कीमत बताने के लिए हम कुछ भी बोल देते हैं। नहीं, आप समझिए हम क्या बोल रहे हैं। ये कोई लड़की का सवाल नहीं है कि आपने 16 साल की लड़की से प्यार किया और उससे कहा कि मैं चांद सितारे तेरे लिए लेकर आ जाऊंगा, जो कभी आज तक लाता ही नहीं कोई। लड़की भी खुश हो जाती है, अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाती है, और जब शादी की आवाज आती है तो उसे चांद सितारे दिखते भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किससे वादा कर रहे हैं? परमेश्वर से। आप किसके लिए बोल रहे हैं? परमेश्वर के लिए। जब आप परमेश्वर के लिए बात करते हैं, वो वहां होता है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। गिनती 30:2 कहता है कि जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने, वह अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपना वचन ना टाले, ना टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वो करे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर के लिए आप बो सकते हैं, बोइए। मत कहिए कि नहीं नहीं मैं करूंगा, मैं ये करूंगा, और आप नहीं कर रहे हैं। ना, कभी मत करिए। मैं तो आपके अंदर आना ही नहीं चाहिए। लूसीफर के अंदर क्या था? मैं आ गया था, मैं इस सिंहासन के काबिल हूं, मैं खत्म हो गया। हमें ये देखना है हमारे अंदर मैं ना आए। हमें जो बुद्धि दी है परमेश्वर ने दी है। हम जस्ट इस स्टेटस पर हैं वो परमेश्वर की वजह से हैं। हमारे पास जो पैसा है वो परमेश्वर की वजह से है। हमारे पास जो काम है या हाथों में हमारे कला है वो परमेश्वर की वजह से है। हमें अपने अंदर मैं नहीं लानी है कि मैंने किया है, मैं ये करूंगा। नो, कभी भी मत करिए, कभी भी अपने मुंह से मत निकालिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि जब आप वाचा तोड़ेंगे तब आप परमेश्वर के साथ संबंध में कमजोर पड़ जाएंगे। वाचा तोड़ना आसान नहीं है, आपके लिए आसान है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है वो आज मैं बताऊंगा आपको। वाचा तोड़ने का रिजल्ट क्या है? आप किसी इंसान के संग वाचा नहीं बांध रहे हैं कि कहा करा करा, नहीं करा नहीं करा। ये बीवी नहीं है कि उसको बोल दिया कि मैं तुम्हें साड़ी दिलवाऊंगा और फिर नहीं दिलवाई। नहीं, परमेश्वर है, आप परमेश्वर को बोल रहे हैं। हालेलुया। तो आज का वचन हम शुरू करेंगे यहोशू 7:10-11, 10, 11, 12 हम आपके लिए पढ़ेंगे। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो। सॉरी, 11वां, इसराइल ने पाप किया है और उन्होंने मेरी वाचा को, जिसकी मैंने उन्हें आज्ञा दी थी, तोड़ दिया है। यहां तक कि उन्होंने निषिद्ध वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं भी ले ली हैं। उन्होंने चोरी की है, धोखा दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उन वस्तुओं को अपनी सम्मति में मिला लिया है।
इसलिए इज़राइल अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते, वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं क्योंकि वे शापित हो गए हैं। अब आगे मैं तुम्हारे साथ उस समय तक नहीं रहूंगा जब तक तुम अपने बीच से निषिद्ध वस्तुओं को नष्ट ना कर डालो। प्रेज़ द लॉर्ड। इज़राइलिस जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी, मिस्र से जिसको निकाल के लेकर आया था परमेश्वर, 40 साल मन्ना खिलाया, अद्भुत आशीषित रोटी थी, खुद उनके बीच में रहा, बताया कि मैं कौन हूं, उनके संग वाचा बांधी। वचन क्या कहता है कि इज़राइलियों ने पाप किया है क्योंकि उन्होंने वचन को, उन्होंने वाचा को तोड़ा है। यहोशू ने ए देश को, ए राज्य को जीतने के लिए जब उस सैनिकों को भेजा जीतने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, तो वहां से एक आदमी ने चोरी की और वो अशुद्ध चीजों को लेकर आ गया, परमेश्वर के विरुद्ध उसने काम किया। किसी को नहीं पता था, यहोशू को नहीं पता, इज़राइलियों को नहीं पता, उनके घर के लोगों को नहीं पता था। उसका नाम अकान था। अकान कुछ चीजें चोरी करके ए राज्य से लेकर आया और बाइबल कहती है कि जब उन्होंने युद्ध किया वो हार गए, वो हार गए तो यहोशू रोया, घुटने टेके कि परमेश्वर हम हार कैसे गए, तू तो हमारे साथ है, तूने तो वादा किया था मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तूने तो वाचा बांधी थी कि तेरी विजय होगी, लेकिन हम हार कैसे गए। परमेश्वर ने कहा तुमने पाप किया है, तुम लोगों ने पाप किया है और तुमने मेरी वाचा को तोड़ा है। हालेलुया। आप नहीं जानते बात, आप नहीं जानते हैं कि आप का पाप आपको उसकी वाचा से दूर कर देता है। आप कभी कभी समझते हैं यार झूठ बोलने से क्या होता है, हलालच करने से क्या होता है। कभी मैंने झूठ बोला और नहीं किया, मेरे भाई आप नहीं जान रहे हैं कि आप हल्का सा, आपके लिए जो छोटा सा पाप है आपको परमेश्वर की वाचा से दूर कर देता है। आप नहीं जान रहे। अकान नहीं समझ रहा था, अकान तो मजे से था, उन वस्तुओं को उसने अपने तंबू के अंदर गाड़ दिया था। उसको सोचा था कि मेरे आने वाले बच्चे इसका उपयोग करेंगे, जब सब लोग भूल जाएंगे तो मैं इसको निकालूंगा और यूज करूंगा। अकान सोच रहा था कि कोई नहीं देख रहा है। यही होता है, हम समझते कोई नहीं देख रहा है, हम पाप कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, हम झूठ बोल रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, हम धोखा देख रहे हैं कोई नहीं दे रहा है, कोई नहीं देख रहा है। नहीं मेरे भाई, आप नहीं जानते हैं जब आप परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं आप और परमेश्वर के बीच की जो वाचा है वो कमजोर हो जाती है, वो टूट जाती है। क्या कहा इसमें देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, इसलिए इज़राइल अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि उन्होंने पाप किया है। अगर आप वाचा में नहीं है मेरे भाई तो आप शैतान के सामने खड़े नहीं रह सकते, शैतान आपको ध्वस्त कर देगा। आप यहां से जाते हैं उस पवित्र वचन को सुनकर जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं करते हैं तो शैतान काम करता है। शैतान आपके घर को, आपके बिजनेस को, आपकी नौकरी को, आपके शरीर को ध्वस्त कर देता है, खत्म करने की कोशिश करता है। और क्यों करता है? क्योंकि आप वाचा से दूर हो गए, आप वाचा से दूर हो गए। आप समझ रहे हैं हम चर्च जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन आप वाचा से दूर हो गए। इसलिए वो कह रहा है कि तुम किसी दुश्मन के सामने खड़े नहीं रह सकते क्योंकि तुम श्रापित हो, क्योंकि तुमने वाचा तोड़ी है। और वो क्या कहता है, अब आगे मैं तुम्हारे साथ उस समय तक नहीं रहूंगा जब तक तुम अपने बीच में से निषिद्ध वस्तुओं को नष्ट ना कर डालो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपनी वाचा के अनुसार चलता है, परमेश्वर अपनी वाचा के साथ खड़ा है। आप उसकी वाचा के संग काम करिए, आप उसकी वाचा के अनुसार चलिए, आप देखिए आपके जीवन में विजय ही विजय है, परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ। देखिए
अगर आप उसकी वाचा के संग काम कर रहे हैं, अगर आप उसकी वाचा के संग अपने जीवन को निभा रहे हैं, बाइबल ये नहीं कहती है कि आपके जीवन में संकट नहीं आएगा, लेकिन बाइबल इस चीज का विश्वास दिलाती है और प्रतिज्ञा करती है कि संकट में वो आपके साथ खड़ा होगा। बाइबल आपको विश्वास दिलाती है और आपको प्रतिज्ञा करती है कि आपकी विजय होगी। ये बाइबल प्रतिज्ञा करती है, लेकिन वो वाचा आपके संग रहे। इजरायलियों ने पाप किया, उस एक आदमी ने, अकान ने, इजरायलियों को नहीं पता, उसके घर को नहीं पता। यहोशू पूछता है, परमेश्वर किसने किया है? उसने कहा जा, क्या कहता है परमेश्वर, देखिए, इसलिए प्रातःकाल तुम अपने अपने गोत्र के अनुसार उपस्थित हो, और यहोवा जिस गोत्र की ओर संकेत करे वो कुटुंब कुटुंब करके सामने आए, और जिस कुटुंब की ओर यहोवा संकेत करे वो घराना घराना करके सामने आए, और जिस घराने की ओर यहोवा संकेत करे वो एक एक पुरुष करके सामने आए। पहले गोत्र, फिर घराना, फिर परिवार, फिर इंसान, फिर जो लोग वहां रहते हैं। Praise the Lord। क्यों परमेश्वर इतना वक्त दे रहा है, क्यों दे रहा है परमेश्वर इतना वक्त कि मैं जिस गोत्र का नाम लूंगा वो गोत्र आए, मैं जिस घराने का नाम लूंगा वो घराना आए, मैं जिस परिवार का नाम लूंगा उस वो परिवार आए, मैं जिस आदमी का नाम लूंगा वो आदमी आए। क्यों? परमेश्वर को तो पता है किसने पाप किया है। Praise the Lord, हालेलुया। क्यों इतनी देर लगा रहा है परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अगर तुमने पाप किया है तो सामने आके घुटने टेको और पश्चाताप करो। आप पश्चाताप करिए, हो सकता है परमेश्वर के दिल में रहम आ जाए, दया आ जाए और वो आपको क्षमा कर दे। Praise the Lord। परमेश्वर चाहता है आप खुद आगे आए। पहले उसने कहा गोत्र के बारे में, फिर घराने के बारे में, फिर परिवार के बारे में, फिर उस आदमी के बारे में, लेकिन अकान ने ऐसा नहीं किया। अकान चुप रहा, उसके गोत्र का नाम लिया गया, उसके गोत्र वाले आए, उसके घराने का नाम लिया गया, उसके घराने के लोग आए, उसके परिवार का नाम लिया गया, उसके परिवार वाले आए, और तब परमेश्वर ने कहा यह है लड़का अकान। Praise the Lord। उस एक आदमी की वजह से पूरे परिवार को सजा मिली। आप समझते हैं? अगर आप अपने घर में कमजोर हैं, क्यों परमेश्वर कहता है कि आपका पूरा परिवार सशक्त होना चाहिए? कभी आपको जुकाम आया होगा, आया कि नहीं आया, बुखार आया होगा, हालेलुया। कभी आपने नोट किया है कि आपको अगर बुखार आया तो आपके बच्चों को भी आ जाएगा, आपके पति को भी आ जाएगा, आपकी पत्नी को भी आ जाएगा। आता है कि नहीं आता है? बुखार आपको आया है, आपके बाल बच्चे सब ठीक है, लेकिन एक दो दिन के अंदर सबको आ जाएगा। आपको जुकाम हुआ है, सबको हो जाएगा। Praise the Lord। इसलिए अगर आप पाप करते हैं तो आपके परिवार पर असर पड़ता है। आप अगर पाप करते हैं, आप समझते हैं कि मैंने पाप किया है और मेरे बच्चों पर असर नहीं पड़ेगा, नहीं। आप अगर पाप करते हैं तो आपके परिवार पर असर पड़ता है। अगर आपके कलीसिया में पाप है, अगर कलीसिया में एक मन एक दृष्टि के साथ लोग नहीं आते, कलीसिया पर फर्क पड़ता है। यस, आप नहीं जानते मत्ती 18 का 19, देखिए मत्ती 18 का 19। ये परमेश्वर का तरीका है। पाप पूरे एटमॉस्फेयर को खराब करता है। हेलो, बोलिए 18 का 19। फिर मैं तुमसे कहता हूं, हाँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे,
तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। दो व्यक्ति अगर परिवार के या दोस्त या रिश्तेदार या कोई भी दो व्यक्ति एक ही इच्छा के लिए एक ही मन से अगर मांगेंगे तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। क्यों? यहां पर जब हम प्रार्थना करते हैं कईयों को चंगाई मिलती कईयों को क्यों नहीं मिलती है? अगर आपका बोझ अगर आपका समर्पण यह है जब आप चंगाई की प्रार्थना के लिए आते हैं कि नहीं जब पास्टर करेंगे यीशु मसीह के नाम से मुझे चंगाई मिलेगी, आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप संदेह करेंगे मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं दिल से समर्पण से यीशु मसीह के नाम से, मैं कोई चंगाई देने वाला नहीं हूं, मैं आपको फिर बता दूं मैं कुछ भी नहीं हूं, यीशु ही चंगाई देता है यहां पर। लेकिन अगर मेरा समर्पण जितना मेरा समर्पण है जितने विश्वास के संग मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं अगर उतने ही विश्वास के संग आप उस प्रार्थना को ग्रहण करेंगे उसी समय चंगाई मिलेगी आपको। होता क्या है हम प्रार्थना करते हैं आप कुछ और सोच रहे हैं। कई बार मैंने देखा है मुझे दुख होता है पास्टर मेरी आंखें खराब है, हम आंखों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आप बीच में बोल रहे हैं घुटना भी खराब है कमर भी खराब है। अरे मेरी बहन एक के लिए तो प्रार्थना करो, लेने दो आप मुझे। आप समझे कि नहीं मैं आपकी आंखों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं आपका दिमाग घुटने पे है, मैं आपके घुटने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं आपका दिमाग कमर पे आ गया। प्रेस द लॉर्ड, ऐसा काम नहीं होता है, नहीं होता ऐसा काम, ये परमेश्वर का राज्य है। अगर आपको आशीष चाहिए तो आपको भी वही समर्पण वही विश्वास लेकर आना पड़ेगा। यस, यीशु मसीह के नाम से जब पास्टर प्रार्थना करेंगे तो मेरी आंखों को चंगाई मिलेगी, मेरे घर को आशीष मिलेगा, मेरे पति को चंगाई मिलेगी, मेरे घर में सुख और शांति होगी। एक ही इच्छा के लिए दो जन, मैं और आप, अगर हम दोनों एक ही इच्छा के लिए मजबूती के संग एक मन से प्रार्थना करेंगे उसी समय स्वर्ग खुलेगा, वचन कहता है। जानिए आप, आपकी चंगाई में आपका, इसीलिए यीशु मसीह ने हमेशा कहा है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जब भी यीशु मसीह ने किसी को चंगा किया क्या कहा? कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, क्योंकि तेरा विश्वास था कि तूने मेरे आशीष को लिया। आप अगर चर्च आते हैं और इस विश्वास के संग आते नहीं, आज परमेश्वर का आशीष परमेश्वर का उद्धार परमेश्वर का सामर्थ मुझे मिलेगा, मेरी बुद्धि खुलेगी, संकट दूर होंगे, मेरा पति चंगाई पाएगा, मेरी पत्नी चंगाई पाएगा, मेरे बच्चे आशीष पाएंगे, आप इस विश्वास के संग बैठिए, होगा काम, होगा काम। लेकिन आपका विश्वास आपका समर्पण उतना ही जरूरी है जितना मैं समर्पित मन से आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियो दो एक और दो उसी में आनंद है। हालेलुया, वही वाचा का एक उसी वाचा में, उस वाचा की शक्ति, उस वाचा को आप कैसे प्रयोग करेंगे, उस परमेश्वर के नियम को कैसे आप प्रयोग करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम से यीशु मसीह के नाम से आशीष मिलना ही है, कोई रोक नहीं सकता उसे। सिर्फ एक ही नाम है इस धरती पर, यीशु मसीह, और कोई दूसरा नाम नहीं है। लेकिन उस नाम को आपको विश्वास के संग ग्रहण करना है, विश्वास के संग आपको आना है, विश्वास के संग बैठना है। यस, आज मुझे मेरा जीवन का आशीष मिलेगा, आज मेरे बंधन खुलेंगे, रास्ते खुल जाएंगे, मेरे कर्ज माफ होंगे। यस,
यीशु मेरे साथ है। क्या लिखा हुआ? फिलिपियों 2:1, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से धाडस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। अगर आपका एक ही मन होगा, पहला लगाओ पहला, अगर आपका एक मन होगा, एक दृष्टिकोण होगा, प्रेज द लॉर्ड, तो मसीह में शांति और प्रेम में ढांढस और आत्मा की सहभागिता का आशीष आप पाएंगे। आत्मा की सहभागिता का एहसास आपको तब होगा जब आपका एक मन होगा, एक दृष्टिकोण होगा। परिवार में, आपके परिवार में आपके पति का दृष्टिकोण अलग है, आपका दृष्टिकोण अलग है, बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। प्रेज द लॉर्ड। घर का कोई भी सदस्य अगर कमजोर है मेरे भाई मेरी बहन, तो आपको क्या करना है? अपने आप को मजबूत करना है, ताकि आपकी इतनी मजबूती हो कि उसकी जो कमजोरी है वो आप पर हावी ना हो। अगर आप कमजोर हैं तो उसकी कमजोरी आप पर हावी हो जाएगी, फिर शैतान काम करेगा। एक दृष्टिकोण, एक मन आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको पता है यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना, मत्ती 11:1, हालेलुया, मत्ती 11:1, हाँ बड़े बड़े। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उसके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। ध्यान से सुनिए आप, जब यीशु मसीह अपने 12 चेलों को चुना, 12 चेलों को चुनने के बाद यीशु मसीह कहां गया? उनके नगरों में गया, उनके घरों में गया। क्यों? ताकि उनके घर में जाकर, उनके नगरों में जाकर उनको बताए कि प्रभु कौन है, पिता कौन है। प्रेज द लॉर्ड। ताकि जिन चेलों को चुना है उनका और उनके परिवार का दृष्टिकोण एक हो जाए। कहीं ये ना लोग समझे कि 12 को चुन लिया है यीशु मसीह के साथ और परिवार अलग है, परिवार समझ नहीं रहा कि परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, उनका दृष्टिकोण अलग है। इन 12 चेलों को विजय कैसे मिली? क्योंकि इनका, इनके परिवार का दृष्टिकोण एक था, एक मन था। यस, जब यीशु मसीह ने पत्रस से कहा कि तुम उससे प्यार करता है, मेरी भेड़ों को चला, मेरी भेड़ों की अगवाई कर, प्रेज द लॉर्ड, और तेरी मौत कैसे होगी? तो क्रूस पर उल्टा लटकाया जाएगा। सोचिए, अगर पतरस की पत्नी प्रभु में नहीं होती और पतरस जाकर कहता आज यीशु मसीह ने मुझे जाने के लिए कहा है और मुझे बताया है कि मेरी मौत कैसे होगी, मुझे क्रूस पर उल्टा लटकाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर उसकी पत्नी कमजोर होती तो उसे कहती, अरे क्या कर रहे हो तुम, क्रूस की मौत कैसे होती है, यीशु मसीह कैसे मरे थे, कैसा प्रताड़ना हुई थी, कैसे दर्द हुआ था, छटपटाए थे। अरे नहीं 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 पतरस, तुम इस परमेश्वर के राज्य को छोड़ो। लेकिन मैं विश्वास करता हूं पतरस की पत्नी ने क्या होगा, धन्यवाद, मैं चाहती हूं कि तुम परमेश्वर के लिए ऐसा बलिदान दो। हालेलुया। उसकी पत्नी का दृष्टिकोण एक था, क्योंकि हमें यीशु मसीह में आगे बढ़ना है, हमें इस राज्य को जीतना है। प्रेज द लॉर्ड। कमजोर नहीं होना है, इसलिए आपके घर में प्रभु के लिए कमजोरी नहीं होनी चाहिए, एक एकजुटता होनी चाहिए, आपका दृष्टिकोण एक होना चाहिए, तब उसकी शक्ति अलग होगी, क्योंकि उसकी वाचा आपके जीवन में काम करना चाहती है, आपके धंधे में मजबूती होगी,
आपके घर में मजबूती होगी एक ही, और कहीं आप कमजोर हुए आप अपने आप उस वाचा से बाहर हो जाएंगे और आपके परिवार पर उसका असर पड़ेगा। इसलिए बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताते रहिए अभी से। इसलिए संडे क्लास बहुत जरूरी है। हमारी एक बहन वचन नहीं सुनती है, त्याग करती है ताकि आपके बच्चों को आशीष मिले, आपके बच्चों को वचन मिले। आप नहीं जानते हैं, आप समझते हैं कि अंदर पता नहीं क्या हो रहा। आप नहीं जानते हैं कि अभी से आपके बच्चों को परमेश्वर का वचन उनको मजबूत बना रहा है। आप नहीं जानते कि अंदर आपका बच्चा क्या बन रहा है। हो सकता है जो अंदर आपके बच्चे हैं उनमें से कोई पास्टर निकले, उनमें से कोई पौलुस हो, उनमें से कोई पत्रस हो। आप नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता कि उसके अंदर जो वचन जा रहा है वो क्या काम करेगा। आप उस कीमत को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए संडे क्लास जरूरी है, बच्चों को प्रभु का वचन देना जरूरी है। मैं यूं ही बच्चों को नहीं खड़ा करता हूं शपथ लेने के लिए, और वो शपथ मैं आपसे बुलवाता हूं। उसका मतलब है आप उस वचन को अंगीकार कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप नहीं समझ रहे उस शपथ का मतलब। जो मैं आप लोगों से बुलवाता हूं एक बच्चे के द्वारा, उसका आप मतलब नहीं समझ रहे हैं, उसकी शक्ति नहीं समझ रहे हैं। आप अंगीकार कर रहे हैं, आप उस शपथ के साथ अंगीकार कर रहे हैं। यस, हमारे अंगीकार करना ही काफी है। आप तकलीफ में हो, घर में हो, बोलिए यीशु मसीह मेरे साथ है, आपकी तकलीफ चली जाएगी। मैं सच कह रहा हूं, आप उस नाम की कीमत को नहीं समझ रहे। इसलिए एक मन एक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह गए वहां पर उसके चेलों के साथ, उनके घरों में गए कि मैंने तुम्हारे पुत्र को लिया है, तुम्हारे पिता को लिया है, तुम्हारे पति को लिया है, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेंगे। इसलिए पूरा घर पूरा नगर जहां से चेले आए थे, आप बाइबल में पढ़िए, किसी ने अपोजिट नहीं किया, किसी ने विरुद्ध नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। 12 के 12 चेले थे, कोई आया उनके घर से? अरे आप, बल्कि जब्ती की मां यूहन्ना और याकूब को लेकर आई और कहते यीशु मसीह इनको अपने दाहिने और बाएं बैठाओ। यीशु मसीह ने कहा जो प्याला मैं पीने पर हूं वो पिएंगे? हाँ पिएंगे। यानी कि जब्ती की मां एक मां कह रही थी कि मैं अपने बच्चे को आपके लिए मारने के लिए तैयार हूं, बलिदान करने के लिए तैयार हूं। यह था उसका दृष्टिकोण। इसलिए यूहन्ना चुना गया प्रकाशित वाक्य के लिए। आप नहीं जानते, आप दोनों का, पति पत्नियों का एक दृष्टिकोण होना चाहिए। घर में परमेश्वर की बात हो, धंधे पे जा रहे हैं परमेश्वर की बात हो, स्तुति हो, आराधना हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपको हमेशा महसूस करिए। आप देखिए आपके जीवन में कैसे परमेश्वर का काम होगा, कैसे आपके बंधे हुए काम खुल जाएंगे, बंधनों से आप आजाद हो जाएंगे, कैसे आपको शांति का अनुभव होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन, प्रभु की वाचा से मैं दूर ना हो जाऊं, मुझे परमेश्वर की वाचा में बंधना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए भजन संहिता 1:1 क्या कहता है देखिए, यहां पर परमेश्वर ने हमको किससे समानता दी है, किसकी समानता में है परमेश्वर ने हमें जांचा। देखो आप वचन क्या कहता है, भजन संहिता 1:1-3। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। आमीन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है। वही पुरुष वाचा में बंधा रहता है, वही पुरुष परमेश्वर की वाचा में बंधा रहता है। हमारे कई बार बहाने होते हैं,
मैं कई बहाने सुनता हूं, पास्टर क्या करें, हमारा काम ही ऐसा है, हमारे लोग ऐसे हैं, थोड़ी सी दारू पीनी पड़ती है, क्या करें, झूठ बोलना पड़ता है, बिजनेस ऐसा है। मेरे भाई, आप उस वाचा को नहीं समझ रहे हैं। आप दोस्तों के लिए परमेश्वर को नाराज कर रहे हैं। एक झूठ बोलने से कितना कमा लेंगे, और जो आपकी कमाई है वो कब तक चलेगी, कब तक चलेगी? मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूं, परमेश्वर के आशीष से, और बहुत कृपा है परमेश्वर की मुझ पर। क्या मैं खा नहीं रहा हूं? क्या मैं पी नहीं रहा हूं? क्या मेरे बच्चे आशीष नहीं पा रहे हैं? क्या मेरा कलीसिया आशीष नहीं पा रहा है? ये आप पर डिपेंड है, निर्णय लीजिए। आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे परमेश्वर की वाचा के अनुसार चलना है। ये आपके ऊपर है, आपके जीवन में मुझे एक निर्णय चाहिए। यस, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा, परमेश्वर के वचन पे चलूंगा, कुछ भी हो जाए करिए। हो सकता है आपकी नौकरी चली जाए, हो सकता है आपकी नौकरी चली जाए, लेकिन मैं आपको सच बोल रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, आपकी एक नौकरी जाएगी, 10 दरवाजे परमेश्वर खोल देगा। अब बोलिए यीशु, मैं आपके लिए झूठ नहीं बोलूंगा। आप लीजिए डिसीजन, मैं गलत संगति में नहीं रहूंगा। जहां दो लोग, जहां चार लोग मेरे दोस्त हैं, जो मेरी सहेलियां हैं, अगर वो गंदी बात कर रहे हैं, मैं वहां से निकल जाऊंगा। मैंने कितने दोस्तों को खोया है आप नहीं जानते, बड़े बड़े नाम हैं। जब मैं बॉलीवुड में था, अभी लेना नहीं चाहता हूं मैं उन नामों को, जब मैं प्रभु में आया, मैं दारू पीता था, और जब मैंने डिसीजन लिया कि नहीं मैं प्रभु में हूं, दारू छोड़ दूंगा, मैं बड़े बड़े दोस्त जिनके नाम आप सब जानते होंगे, उन्होंने कहा अनिल, मैंने कहा नो ब्रदर, अरे हम तो आएंगे ना घर पे, तू मत पीना, हम पिएंगे, मैंने कहा नो ब्रदर, मेरे घर में कुछ नहीं होगा, दारू नहीं, तो फिर आज से नहीं आएंगे, मैंने कहा मत आइए, अगर दारू की वजह से आप मेरे दोस्त हैं तो मेरी आपकी दोस्ती नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, गए आप अपनी जगह, मुझे प्रभु मिला है, मैंने परमेश्वर से कहा है झूठ नहीं बोलूंगा। दिक्कत आएगी, लेकिन आपका परमेश्वर आपके साथ रहेगा। मुझे उस झूठ का 1000 रुपए नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। मेरे भाई, जो परमेश्वर की उपस्थिति में दौलत है ना, वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। आप नहीं जानते उस दौलत की कीमत को, आप यीशु की कीमत को नहीं जानते। हालेलुया। परमेश्वर के काम लोगों को बड़े आश्चर्यजनक लगते हैं, मूर्खतापूर्ण लगते हैं कि परमेश्वर के काम, अरे क्या बोल रहा है परमेश्वर, यीशु मसीह को क्रूस पर देखने से हम ठीक हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा से परमेश्वर ने कहा था, यहां ये खंभा है, इसराइलियों को विषैले सांपों ने खा लिया था, काट लिया था, जहर उनके शरीर में चढ़ रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा ने कहा, परमेश्वर ने कहा है, जो इस तांबे के सांप को देखेगा खंभे पे लटका हुआ, उसका जहर उतर जाएगा। अरे लोगों ने कहा, मूसा तू क्या कह रहा है, अरे कोई हमें दवाई दे, इस सांप को देखने से हमारा जहर उतर जाएगा, हमारा दर्द हो रहा है। मूसा ने कहा, जो परमेश्वर ने कहा है उस पर विश्वास करो। जिन्होंने विश्वास किया वो बच गए, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो मर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। यरीहो की दीवार, यरीहो की दीवार को कैसे तोड़ा? हमें परमेश्वर की जो बात है ना, हमें बड़े वो लगते हैं, क्या है यार परमेश्वर क्या कह रहा है। हालेलुया। यरीहो की दीवार, इतनी मोड़ी दीवार थी, उस पर रथ चलते थे, घोड़े दौड़ते थे उस दीवार के, उसकी चौड़ाई पर। क्या कहा परमेश्वर ने,
इस दीवार का 6 बार 6 दिन में परिक्रमा करो खामोशी से, और 7वें दिन 7 बार परिक्रमा करके जय जयकार करो परमेश्वर की, ये दीवार टूट जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। 6 दिन तक इज़राइलियों ने परिक्रमा की तुरही बजाकर, और 7वें दिन उसने जय जयकार की, दीवार टूट गई। आप प्रेज द लॉर्ड। सारा हंसी थी, अरे मैं 90 साल की हो रही हूं, 89 साल की, मैं आऊंगा इस बार तेरे बच्चा होगा। प्रेज द लॉर्ड। कैसे बच्चा होगा, मैं 90 साल की हूं, मेरी गर्भ की जो दशा है वो मरी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। अगले साल आया, बच्चा हुआ। हम परमेश्वर के कामों को, हम परमेश्वर के वचनों को, क्या कहा यीशु मसीह ने, क्या कहा उसने, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। किस पर विश्वास करेगा? क्रूस पर। अब आप कहेंगे कि 2000 साल पहले क्रूस पर यीशु मसीह मरा, हम आज विश्वास करेंगे, आज कैसे आशीष पाएंगे? यही तो है, आपके लिए वो काम मूर्खतापूर्ण होगा, लेकिन उसी काम में परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर का सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। यहूदा जो कि परमेश्वर का चुना हुआ था 12 चेलों में से, प्रेज द लॉर्ड, वो वाचा में बंधा हुआ था, जैसे ही लालच उसके अंदर आई, उसको नहीं पता, वो वाचा से टूट गया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही वाचा उसके अंदर आई, परमेश्वर हट गया, वाचा से निकल गया वो। क्या हुआ? उसने आत्महत्या की, नरक में गया। जकई जो पापी था, सूदखोर था, प्रेज द लॉर्ड, क्या किया उसने? उसने यीशु से प्यार किया, उसने यीशु पर विश्वास किया, और अपने आप वाचा में बंध गया। क्या कहता यीशु मसीह? आज इस घर में उद्धार आया है। क्या किया था उसने? सिर्फ प्रेम का प्रदर्शन किया था कि यीशु महान है। प्रेज द लॉर्ड। आपका प्रेम आपको वाचा से जोड़ता है, और आपका पाप आपको वाचा से दूर करता है। हेलो, आपका प्रेम आपको परमेश्वर की वाचा से जोड़ता है, और आपका छोटा सा पाप भी आपको परमेश्वर से दूर करता है। इसलिए आपको बहुत मजबूती के साथ अलर्ट रहना है। आपके घर में अगर आपका कोई सदस्य कमजोर है, आप खतरे में हैं। आप नहीं जानते हैं, परमेश्वर की शक्ति अगर मेरे पास नहीं है, इसलिए वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। वो लगाओ जब भजन सही, तो पहले का पहला पढ़ो। हाँ पढ़ो। क्या धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों के मंडली में बैठता है। न ठट्टा करने वालों की मंडलियों में बैठता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग परमेश्वर का ठट्टा करते हैं। अरे परमेश्वर को पता भी नहीं लगेगा यार, छोड़ो यार, क्या परमेश्वर बोलता है, कौन सा हर चीज परमेश्वर देखता है। आप समझते हैं कि आप पाप करते हैं, परमेश्वर नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा है? नहीं मेरे भाई, वो हमेशा देखता है आपको। ठट्टा करने वालों की मंडली में हमें अपनी संगति भी वैसी रखनी है। अगर आपकी संगति खराब है, तो भी आप परमेश्वर की वाचा से दूर हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
आपकी अगर संगति खराब है, इसलिए उनके संग मिले जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर की इज्जत करते हैं। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है ब्रदर, हालेलुया। दुनिया में कोई भी रिश्ता परमेश्वर के रिश्ते से बड़ा नहीं है। आगे, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। आमेन। जो परमेश्वर की व्यवस्था में मगन रहता है, मगन रहता है। धन्यवाद। परमेश्वर की व्यवस्था को मनन करते हुए उसमें मगन रहना, आनंद रहना, आनंदित रहना आपको शक्ति देता है, आपको जीवन देता है। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए कहा है। हा हा, परमेश्वर ने कहा है संडे को आना है। यस, आना है। उसकी आज्ञा है, उसकी आज्ञा के सामने कोई नहीं टिक सकता। परमेश्वर ने कहा है, उसकी व्यवस्था में मगन रहना है हमको। आगे, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन। यहोशू से क्या बोला उसने? सातवां, यहोशू 1:7, यहोशू 1:7, Joshua 1:7, तू केवल हियाव बांध और अत्यधिक दृढ़ हो। मेरे दास मूसा ने जो व्यवस्था दी है उसकी सब व्यवस्थाओं के अनुसार व्यवहार करने के लिए सावधान रहे, उनसे ना दाहिने मोड़ना ना बाएं, जिससे जहां जहां भी तू जाए वहां वहां सफलता प्राप्त करेगा। ये परमेश्वर कह रहा है, मेरी व्यवस्था से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तू जहां जहां जाएगा सफलता मिलेगी तुझे, तू जो जो काम करेगा सफलता मिलेगी तुझे। प्रेज द लॉर्ड। आपको उसकी उसकी व्यवस्था पर अपने मन को लगाना है, दिन रात उसमें मगन रहना है। हालेलुया। इसका अभी वचन संहिता 3:3। वह उस वृक्ष के समान है, वो इंसान जो परमेश्वर के वचन पे चलता है, उसकी व्यवस्था में मगन रहता है, रात दिन उसकी व्यवस्था को याद करता रहता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हेलो, किसकी तुलना की है परमेश्वर ने हमसे? एक वृक्ष की। हमको किसके समान बनाया? वृक्ष। वृक्ष के अपने आप फल ला सकता है? अपने आप फल ला सकता है? वृक्ष अपने आप बड़ा हो सकता है? वृक्ष का काम क्या है? समर्पण। वो किस किसान ने बीज बोया और उसने समर्पित कर दिया अपने आप को, जितना समर्पित उसने किया उतनी जड़ें उसकी अंदर जा रही हैं, उतना ही वो मजबूत है, उतना ही वो फल उसमें आ रहे हैं और उतने ही पशु पक्षी उसके डालियों पर बैठ रहे हैं। हमारी तुलना वृक्ष के समान की है। कौन वृक्ष है? जो धन्य है, जो व्यवस्था में मगन रहता है। क्यों? क्योंकि जब आप व्यवस्था में मगन रहते हैं, देखिए वृक्ष क्या है, उस प्रकृति पर मगन रहता है। वो नहीं सोचता कि कब हवा आएगी, कब उजाला होगा, कब सूरज की किरणें मुझ पर पड़ेंगी, कब मुझे खाद मिलेगी और कब मैं बढ़ूंगा। नहीं, उसने तो अपने आप को समर्पित कर दिया। हेलो, उस वृक्ष ने अपने आप को समर्पित कर दिया। परमेश्वर हवा दे रहा है, परमेश्वर पानी दे रहा है, परमेश्वर धूप दे रहा है, परमेश्वर खाद दे रहा है, परमेश्वर फल लगा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ नहीं कर रहा है वृक्ष, समर्पित है। इसलिए वो कहता है धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर की व्यवस्था में मगन रहता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था के लिए मगन है और समर्पित है, वो उस वृक्ष की तरह है, उस वृक्ष की तरह है जो किनारे, जो नदी के किनारे लगा होता है। जो नदी के किनारे लगा होता है, गर्मी आती है तब भी उसको कोई नुकसान नहीं होता है, पतझड़ आती है तब भी कोई नुकसान नहीं होता है, आंधी तूफान आते हैं तब भी कोई नुकसान नहीं होता है, उसके फल हमेशा बने रहते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड, वो वृक्ष परमेश्वर ने हमें उपाधि दी है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 15 का 2:5-6 कलीसिया, आज देखिए कलीसिया में क्या होता है जब आप एक वृक्ष की तरह, कभी आपने देखा है जब एक वृक्ष लगा, एक बीज बोता है उसमें से पौधा उगता है। हालेलुया। वो डाली उगती है जिसमें फल लगने वाला है, लेकिन कभी कभी क्या होता है उस डाली के ऊपर भी एक डाली उगाती है, एक कोने से डाली उगाती है। प्रेज द लॉर्ड। और किसान क्या करता है, वो जो एक्स्ट्रा डाली है उसको काटता है ताकि जो फल देने वाली डाली है उसको साफ कर सके, उसको मजबूत कर सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया में क्या होता है, आप चुने हुए, आप चुनकर परमेश्वर के चरणों में आए हैं, लेकिन आपकी डाली में ना चाहते हुए एक डाली आ रही है घमंड की, एक डाली आ रही है ईर्ष्या की, एक डाली आ रही है क्रोध की। परमेश्वर कलीसिया में उसको छांटता है। प्रेज द लॉर्ड। छांटता है, आपको वचन बताता है और वचन के अनुसार आपका घमंड अंदर, आपका व्यभिचार दूर हो जाता, आपका स्वार्थ खत्म हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए, जो डाली मुझ में है और नई फलती उसे वो काट डालता है। हाँ। और जो फलती है, जो फलती है उसे वो छाटता है ताकि और फले। आमीन। अगर आप कलीसिया में बने रहेंगे, अगर कलीसिया से दूर हो जाएंगे आप फेंके जाएंगे, फेंके जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रभु में बने रहेंगे तो आपकी छोटी छोटी चीजें, जो गलत चीजें हैं उनको वो छांटेगा ताकि आप और फले। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं, इसलिए बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है कि आप ध्यान से, सावधानी से कलीसिया में आए और मन लगाकर, समर्पित मन से कलीसिया में बैठे और जो वचन आपको मिल रहा है उसे ग्रहण करें, क्योंकि वो वचन आपकी एक्स्ट्रा डालियों को छांट रहा है। आपको नहीं पता वो छांट रहा है, वो काम कर रहा है। पांचवा, इसी का पांचवा, मैं दाखला था हूँ, तुम डालिया हो। हाँ। जो मुझ में बना रहता है। हाँ। और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगला, यदि कोई मुझ में बना न रहे। हाँ। तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता। हाँ। और सूख जाता है। हाँ। और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। अगर आप नहीं बने रहेंगे मेरे भाई तो आप जल जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शैतान का काम ही यह है खत्म करना, शैतान का काम है नष्ट करना, यीशु का काम है जीवन देना, इसलिए वो आपको छांटता है। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हमें छांटना बुरा लगता है, हमारे मम्मी पापा बोलते हैं ये नहीं काम करना, हमको बुरा लगता है, अरे यार दोस्त इंतजार कर रहा है, पापा मना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो समझदार बच्चे होते हैं वो पापा की बात मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ताकि वो छाटे जाएं। आपको क्या लाना है, फल। अगर मेरे भाई आपके जीवन से फल नहीं आ रहा है तो हमारा और आपका जीवन व्यर्थ है। मैंने आपको बताया था परमेश्वर ने हमको क्यों चुना है, परमेश्वर ने हमको क्यों बचाए, क्यों बचाया परमेश्वर ने हमको, परमेश्वर ने हमको क्यों बचाया, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। लाइट बंद कर दो। ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। कब आप बनेंगे दूसरों के लिए आशीष का कारण, जब आपके पास फल होगा, तभी तो आप किसी को फल देंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप किसी के लिए आशीष का कारण कब बनेंगे, जब आपके पास आशीष होगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके पास आशीष नहीं होगा तो आप क्या देंगे। इसलिए
मैं परमेश्वर में छटने के लिए तैयार हूं। क्यों वृक्ष फलता है, क्यों अच्छे वृक्ष में फल आते हैं? क्योंकि वो तैयार है छटने के लिए, उसकी भी डाली है। सोचिए, एक वृक्ष में जान होती कि नहीं होती है? हां के ना, होती है कि नहीं होती है? तो आप सोचिए, जब उसकी डाली में से कोई डाली निकल रही है और जब किसान काटता है, उसको दर्द होता होगा कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसको पता है कि जहां से मेरी डाली छांटी जा रही है वहां फल आने वाला है। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि हालेलुया, मेरे फल को मेरा लालच रोक रहा था, मेरे फल को मेरी ईर्ष्या रोक रही थी, मेरे फल को मेरा व्यभिचार रोक रहा था, नहीं, मुझे फल चाहिए, मुझे परमेश्वर का फल चाहिए। क्योंकि मेरा जीवन तभी सार्थक होगा जब मैं किसी के लिए आशीष का कारण बनूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के बच्चे हैं मेरी बहन, हमें ऐसे नहीं जीना है, हमें औरों की तरह नहीं जीना है, हम परमेश्वर की सेना बनकर जिए, उसके पुत्र और पुत्री बनकर जिए। इसलिए वो कहता है यदि मेरे वचन तुझ में, सातवां पढ़िए बेटा, 15:7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत सी चीजें मांगते हैं, बहुत सी हमारी इच्छाएं, बहुत सी हमारे सपने। वो कहता है सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे। जो चाहो मांगोगे वो हो जाएगा, तुम सोच नहीं सकते वो हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बहन, परमेश्वर आपको आपसे ज्यादा प्यार करता है, आप नहीं जानते, आप खुद से इतना प्यार नहीं करते हैं। आप परमेश्वर की पुतली हैं, आप और मैं परमेश्वर की आंखों की पुतली हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान आपके लिए किया है, आपको पाने के लिए, आपको सुख देने के लिए, आपको चंगा करने के लिए। यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं, आप समझिए। इसलिए उसका वचन मेरे जीवन में बना रहे, उसकी वाचा के अनुसार मैं अपने जीवन में चलूं, मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जो परमेश्वर की निगाह में गलत है, कोई ऐसा काम नहीं हो जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। मैं कुछ ऐसा सोचूं भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो भी परमेश्वर के खिलाफ कल्पनाएं आती हैं, लिखा हुआ 2 Corinthians 10:5 में, जो आप शपथ देते हैं, परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरुद्ध, पढ़िए बेटा 2 Corinthians 10:5। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ओछी बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उड़ती है खंडन करते हैं। आपको नकारना है? नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के विरुद्ध है। अब क्या क्या चीज परमेश्वर के विरुद्ध है? सुबह शाम तक मोबाइल देखना परमेश्वर के विरुद्ध है, क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं देख रहे। व्हाट्सएप टीवी देखना सिर्फ सुबह शाम तक परमेश्वर के विरुद्ध है, उसको अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसकी आत्मा जो आपके अंदर है वो नहीं चाहती है कि आप टीवी देखें, वो नहीं चाहती आप गलत बात करें,
इफिसियों 4:29 क्या कहता है? इफिसियों 4:29 क्या कहता है? पढ़िए बेटा। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। अगला 30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, शोकित मत करो। उसकी आत्मा जो हमारे अंदर है उसको शोकित मत करो। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, ध्यान से सुनिए, बैठ जाओ बेटे, ध्यान से, ध्यान सुनिए। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, वो चाहती है कि आप परमेश्वर की बात करें, वो चाहती है कि आप वचन को समझें। प्रेज द लॉर्ड। अब आप वो जो आत्मा आपके अंदर है परमेश्वर की, आप उसे लेके जा रहे हैं गलत जगह। आप उसे कह रहे हैं टीवी देखो, आप उसे कह रहे हैं फेसबुक देखो, आप उसे कह रहे हैं गलत गलत चीजें देखो। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, आप ध्यान दीजिए, आप एक पिता हैं और आपको परमेश्वर ने एक वरदान दे दिया है कि आपका बच्चा जहां भी जाए आप अदृश्य रूप में उसके संग रह सकते हैं। मान लीजिए परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है कि आपका जवान बेटा जहां जा रहा है उसके साथ, या जवान बेटी आपकी जहां जा रही है अदृश्य रूप में आप उसके संग रह सकते हैं। वो आपको नहीं देख सकता लेकिन आप देखेंगे। और आप सपोज करिए कि आपका बेटा, इकलौता बेटा, अगर आपके दोस्तों के संग गलत बातें करेगा, गंदी बातें करेगा और आप वहां सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? आप कहेंगे मेरा बेटा ये बात करता है, आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो वो जो परमेश्वर की आत्मा जो आपके अंदर है, जब आप अपने मुंह से गंदी बात निकालते हैं, जब आप किसी की बुराई करते हैं, जब आप गलत तरीके से अपने शब्दों को, अपने होठों को, अपनी जीभ का उपयोग करते हैं, तो वो आत्मा शोकित होती है कि मैं किसके अंदर हूं यार। प्रेज द लॉर्ड। होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो आत्मा कौन है जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है? जिस दिन इशू आएगा बादलों पर सवार होकर, वो छाप ही आपको लेकर जाएगी। उसकी आत्मा की छाप आपको इशू के पास लेकर जाएगी। इसलिए अपने आप को संभालिए, कहीं ये ना हो कि इशू का दिन आ जाए और वो आत्मा आप में ना रहे। हेलो, आप समझ रहे हैं? आप खुद सोचिए, वो आत्मा जो पवित्र है, वो आत्मा जो महान है, वो आत्मा जो परमेश्वर का एक रूप है, हम उसको शोकित नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी उस आत्मा को शोकित करने की, इसलिए अपने मुंह से किसी की बुराई मत करिए, मत करिए। किसी भी भाई की, किसी बहन की नहीं, किसी के परमेश्वर के जन की भी बुराई मत करिए। वो न्याय करने वाला है, हम कुछ नहीं जानते। प्रार्थना करिए। इसलिए वो जो वाचा है परमेश्वर की, वो वाचा हमारे जीवन में बनी रहे ताकि उसकी शक्ति, उसका सामर्थ, उसकी कृपा हम हमेशा महसूस करते रहे। और कुछ भी काम हो, परमेश्वर का दिन हमें नहीं भूलना है। मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं, हमारे कई भाई बहन जो हमारे अपने लीडर्स हैं भूल जाते हैं, छोटे छोटे काम घर में बैठे। अरे क्या बात, क्या समझते हैं आप कलीसिया को? परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन को क्या समझते हैं आप?
वो कैसे काम करेगा आपके जीवन में जब आप उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो? वो चाहता है कि आपको छांटे, वो चाहता है कि आपको फलवंत करे, लेकिन कहां? कलीसिया में। अगर विश्वास के संग दीन बनकर, नम्र बनकर, समर्पित मन से आप कलीसिया में आएंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप फलेंगे, आप फलेंगे। आपके ऊपर है फल लेना, आपके ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर नहीं है। वो तो देना चाहता है, उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दे दिया, तो क्या फल नहीं देगा वो आपको? लेकिन आपको लेने के लिए अपने आप को उस योग्य बनाना पड़ेगा। फिर आप देखिए फल की बौछार होगी। आप कहेंगे मैं कहां रखूं फल? मेरी बहन, हर चीज आपके लिए है। मेरी बच्ची, बने रहिए उसमें। एक निर्णय लीजिए, एक डिसीजन लीजिए कि नहीं, मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है, मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार ही अपने जीवन को बिताना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी शरीर का सुख मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी परमेश्वर का वचन है। आप देखिए कैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आज का वचन हमने ग्रहण किया, हमको आशीष मिला। बोलिए यीशु मसीह की।